हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप एंजॉय करें हमारे साथ। आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन और मोशन हमारे पास कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आइए बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन और मोशन हमारे पास कैसे डिफाइन किया जाता है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन हमारे पास, उसके लिए हम बात करें इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन मोशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, हमारे पास क्या है हमारे पास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में आई हुई है उनको भी डिस्कस करेंगे। आइए बात करें डेफिनेशन बारे में। इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, पॉइजन ब्रैकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इंटीग्रल के बारे में, क्या होता है हमारे पास। एक फंक्शन हमारे पास, ए सर्टेन फंक्शन, कोई फंक्शन हमारे पास क्या है हमारे पास, एफ ऑफ टी क्यू वाई और पी आई। एक फंक्शन हमारे पास जो हमारे पास है टी क्यू वाई पी आई हमारे पास, ठीक है जी, इज कॉल्ड इंटीग्रल, इज कॉल्ड इंटीग्रल, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे हमारे पास, कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कब बोलेंगे हमारे पास, इफ क्या हमारे पास डी क्यू आई बाई डी टी, डी क्यू आई बाई डी टी हमारे पास क्या हमारे पास, डेट इज इक्वल टू क्या हमारे पास, डेट इज इक्वल टू क्या, करली एच बाई करली पी आई हो हमारे पास, एंड dpi by dt, dpi by dt must be equal to minus curly h by curly q y हो, जहां पर दोनों केस में i की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी हमारे पास, i की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी हमारे पास, ये बोलेंगे सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास। यदि फॉर द गिवन हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है जनरलाइज्ड कंजर्वेटिव सिस्टम हमारे पास है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ टी क्यू वाई पी आई इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन मोशन इफ dq by dt equal to curly h by curly pi and dpi by dt equal to minus curly h by curly qy ho hamare paas, if for any motion of the system f remains constant value, if for any motion of given system, motion of given system, yadi koi bhi given system ke motion ke liye hamare paas f ki constant value, f रिटेन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, एफ रिटेन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, यदि एफ की क्या हो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है, लाइक सी मान लेते हैं हमारे पास, डेट इज क्या कहते हैं फंक्शन वैल्यू क्या हो टी क्यू वाई पी आई इक्वल टू सी हमारे पास दूसरी इक्वेशन हमारे पास, तो इसको सेकेंड इक्वेशन क्या बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं हमारे पास, क्या बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे हमारे पास, ठीक है। इट वॉज जस्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ मोशन हमारे पास है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है हमारे पास कि एफ वन एफ टू बहुत सारे इंटीग्रल हमारे पास किसी भी इक्वेशन मोशन के, देन कंपोजिशन उनका भी क्या बनेगा हमारे पास एक इंटीग्रल बनेगा, बहुत ही आसान थ्योरम हमारे पास। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास क्लास के अंदर, हम बात करेंगे पॉइजन ब्रैकेट। इसके पहले बात है डेफिनेशन बारे में, इट वाज जस्ट ए फार्मूला, इट इज जस्ट ए फार्मूला। पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है हमारे पास, एक मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास, एक रिलेशन हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं हमारे पास। इफ क्या हमारे पास फाइव फंक्शन है हैमिल्टन वेरिएबल का, फाइव कोई फंक्शन है क्यू वाई पी आई, एंड एक साई फंक्शन हमारे पास हैमिल्टन वेरिएबल बोलते हैं इनको टी क्यू वाई पी आई को हमारे पास, जहां पर आई की वैल्यू क्या वन से लेके अंत वेरी करती है, आई क्यू क्या वन से लेके एन तक वेरी करती है हमारे पास। आर टू आर्बिट्री फंक्शन, आर टू आर्बिट्री फंक्शन हमारे पास, टू आर्बिट्री फंक्शन हमारे पास ऑफ हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स, ऑफ हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स, ऑफ हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स, ठीक है जी, सच डेट हमारे पास क्या हो देन द एक्सप्रेशन, देन द फार्मूला कह देंगे, एक्सप्रेशन बोलते हैं हमारे पास, क्या फार्मूला, दैट इज समेशन आई क्यू वन से लेके एन करली फाई बाई करली क्यू वाई इंटू करली साई बाई करली पी आई माइनस करली फाई बाई करली पी आई इंटू करली साई बाई करली क्यू वाई, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, डेट इज पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं हमारे पास। इसको लिखा जाता है हमारे पास नोटेशन जो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास क्या है, डेट इज हमारे पास क्या है, डेट इज इसको लिखते हैं फाई साई की पॉइजन ब्रैकेट, इसको रिडेस करेंगे, फाई साई पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू क्या होता है समेशन आई की वैल्यू वन से लेके एन करली फाई बाई करली क्यू वाई इंटू करली साई बाई करली पी आई माइनस
कर्ली फाइव बाई कर्ली या इंटू कर्ली फाइव बाई कर्ली चौबाई हमारे पास होती है, देन इट इज कॉल्ड पॉइजन ब्रैकेट बोल जाता है हमारे पास। तो सिंपल वर्ड्स में जो अब हम कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट यूज करेंगे, दो फंक्शन हमारे पास फाइव और साई जो हैमिल्टन वेरिएबल में हमारे पास हैं, उनकी पॉइजन ब्रैकेट डिफाइन करेंगे समेशन आई के वन से लेकर एन कर्ली फाइव बाई कर्ली क्यू वाई इंटू कर्ली फाइव बाई कर्ली पी आई माइनस कर्ली फाइव बाई कर्ली पी आई इंटू कर्ली फाइव बाई कर्ली क्यू वाई हमारे पास होता है। और यदि बात करें हमारे पास इसके बाद बात करें हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड कहते हैं फाई और साई की जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट होती है डेट इज इक्वल टू होती है समेशन आई के वैल्यू वन से लेके एन कर्ली फाई बाई कर्ली क्यू वाई इंटू कर्ली साई बाई कर्ली पी आई माइनस कर्ली फाई बाई कर्ली फाई बाई कर्ली पी आई इंटू कर्ली साई बाई कर्ली क्यू वाई। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हमारे पास हैं जो पॉइजन ब्रैकेट की हमारे पास है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास, एक सेकंड कंडीशन हमारे पास, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी इंटीग्रल इज कर्ली एफ बाई कर्ली टी प्लस पॉइजन ब्रैकेट एफ ऑफ एच इक्वल टू जीरो हमारे पास होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास डेट इज जो हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या है, डेट इज फॉर्मूला स्टेटमेंट क्या हमारे पास, थ्योरम हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट की डेट इज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ, फॉर ए फंक्शन एफ इस थ्योरम को यूज भी करेंगे आने वाले रिजल्ट में हमारे पास। फॉर ए फंक्शन एफ, कोई फंक्शन हमारे पास एफ हमारे पास है ठीक है जी, फॉर ए फंक्शन एफ जो क्या हमारे पास इसको लेता फंक्शन क्या हमारे पास हैमिल्टन वेरिएबल का हमारे पास एफ ऑफ टी क्यू वाई पी आई हमारे पास फंक्शन हमारे पास है बी एन इंटीग्रल किसी भी फंक्शन को इंटीग्रल होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन और है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या हमारे पास डेट इज क्या है इज कर्ली फाइव कर्ली एफ बाई कर्ली टी प्लस एफ पॉइजन ब्रैकेट एफ ऑफ एच इक्वल टू जीरो ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी फंक्शन को इंटीग्रल होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब क्या होता है हमारे पास, पहले हमारे पास ये मान के प्रूव करें इसको मान के ये वाला प्रूव करेंगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ, एफ कोई फंक्शन हमारे पास हैमिल्टन वेरिएबल टी क्यू वाई पी आई में उसको इंटीग्रल होने की कंडीशन क्या हमारे पास कर्ली एफ बाई कर्ली टी प्लस पॉइजन ब्रैकेट एफ ऑफ एच इक्वल टू जीरो हमारे पास होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं प्रूफ के बारे में, बहुत ही आसान प्रूफ हमारे पास है इसका। यदि आपने अभी तक जो पढ़ा है हमारे पास वो क्लैरिटी आपको हो चुकी है तो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास लेट एफ कोई फंक्शन हमारे पास इंटीग्रल हमारे पास लेट एफ जो फंक्शन है हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का हमारे पास बी एन इंटीग्रल हमारे पास क्या है इंटीग्रल हमारे पास ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है इंटीग्रल हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो आज ही हमने बात की हमारे पास सबसे पहला जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमारे पास तो क्या होता है हमारे पास देन वी कैन राइट डी क्यू वाई बाई डी टी इक्वल टू कर्ली एच बाई कर्ली पी आई होती है हमारे पास और डी पी आई बाई डी टी हमारे पास क्या होता है डेट इज इक्वल टू माइनस कर्ली एच बाई कर्ली क्यू वाई होता है हमारे पास। ये कंडीशन थी हमारे पास डेट इज दिस। और हमने उसके बाद कहा था कि ऐसे केस में क्या होता है फंक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास टी क्यू वाई पी आई डेट इज मस्ट बी क्या होती है हमारे पास टी ऑफ क्यू वाई पी आई मस्ट बी सम कॉन्स्टेंट हमारे पास होती है। तो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रल के लिए हमारे पास मैंने सबसे पहले कहा था हमारे पास क्या होती है डी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू कर्ली एच बाई कर्ली पी आई होता है और डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस कर्ली एच बाई कर्ली क्यू वाई होता है। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या होता है जो हैमिल्टन वेरिएबल में क्या होता है किसी कॉन्स्टेंट की इक्वल हमारे पास होता है। ये हमने बात की थी आते ही आज ठीक है। तो इसका डायरेक्टली कर लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास क्या था इफ फंक्शन ऑफ हैमिल्टन वेरिएबल डेट इज टी क्यू वाई और पी आई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट हमारे पास है देन डेरिवेटिव करें तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या जीरो होगा तो डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो आएगा सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस दो तो करेंगे। अब यदि एफ का डेरिवेटिव करें तो पहले क्या होगा एफ का तीन वेरिएबल हमारे पास एक तो टी है एक क्यू वाई एक पी आई है तो तीन वेरिएबल डेरिवेटिव होगा हमारे पास तो क्या होगा तो कर्ली एफ बाई कर्ली टी होगा हमारे पास कर्ली एफ बाई कर्ली टी होगा कर्ली एफ बाई कर्ली टी प्लस क्या होगा कर्ली एफ फिर कर्ली क्यू वाई रिस्पेक्ट में होगा हमारे पास और क्यू वाई रिस्पेक्ट में क्या होगा डी टी रिस्पेक्ट में होगा हमारे पास ठीक है प्लस क्या होगा कर्ली एफ बाई कर्ली पी आई के रिस्पेक्ट में होगा हमारे पास और फिर पी आई का डायरेक्टली क्या होगा रिस्पेक्ट टू टी होगा हमारे पास ठीक है जी ठीक है।
अब ये हमारे पास क्या होगा, चलता रहेगा कब तक हमारे पास, समेशन आई की वैल्यू वन से लेके एन तक। पहले के लिए क्यू वन पी वन के लिए हमारे पास क्यू वन पी वन आएगा, फिर क्यू टू पी टू आएगा, सम चलता रहेगा हमारे पास, तो समेशन आई की वैल्यू वन से एन तक लिखी हमने, इक्वल टू जीरो होगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आई थी हमारे पास अभी, डी क्यू ऑपरेटिव वैल्यू क्या थी, डी पी ऑपरेटिव वैल्यू क्या थी हमारे पास अभी हमने लिखी थी हमारे पास, डी क्यू ऑपरेटिव वैल्यू क्या थी, ये थी डी पी ऑपरेटिव वैल्यू ये थी हमारे पास। तो पुट करें व्हाट वी गेट, वी गेट करली है बाय करली टी प्लस समेशन आई की वन से लेके एन करली है बाय करली क्यू वाई इंटू करली एच बाय करली पी आई हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। पुट करेंगे डी क्यू ऑपरेटिव की, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस बार आएगा, करली है बाय करली पी आई इंटू करली एच बाय करली क्यू वाई। और यदि बात करें हमारे पास ये क्या है, पोजियम ब्रैकेट एफ ऑफ एच, तो हमारे पास डेट इज करली है बाय करली टी प्लस पोजियम ब्रैकेट एफ ऑफ एच मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये तो फॉरवर्ड पार्ट हो गया हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन होगी। यदि हमारे पास बात करें सफिशिएंट कंडीशन की, दोनों तरफ हमारे पास ये लगा दें साइन, हमारे पास दोनों तरफ कंडीशन प्रूव हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। तो सिंपल प्रूफ था हमारे पास कि किसी भी फंक्शन को यदि इंटीग्रल बोलना है हमारे पास, तो कंडीशन क्या कहते हैं कि करली है बाय करली टी उस फंक्शन डेट रिस्पेक्ट टू पार्शियल टी प्लस पोजियम ब्रैकेट एफ ऑफ एच इक्वल टू जीरो हमारे पास हो, तो हमारे पास क्या होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी हमारे पास होती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास पोजियम ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप पढ़ें देखें एक बार क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक बार बात करते हैं समअप कर लेते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास। बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ पोजियम ब्रैकेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोजियम ब्रैकेट डेट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ पोजियम ब्रैकेट क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास आइए बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, डेट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि फाई और साई की पोजियम ब्रैकेट क्या होती है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू क्या होती है माइनस ऑफ साई फाई की इक्वल होती है हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, ये कहती है हमारे पास फाइव साई की जो पोजियम ब्रैकेट होती है वो क्या होती है इक्वल टू होती है माइनस ऑफ साई फाई की इक्वल होती है। दूसरी क्या होती है हमारे पास पोजियम ब्रैकेट क्या होती है, यदि किसी कांस्टेंट सी फाई साई इस तरह से हमारे पास, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है हमारे पास, फाई और साई की पोजियम ब्रैकेट आ जाती है हमारे पास, ठीक है सिंपल प्रूफ हमारे पास आप देख सकते हैं। थर्ड क्या कहती है हमारे पास, यदि फाई प्लस साई किसी थर्ड फाई और साई की जो पोजियम ब्रैकेट है किसी थर्ड के साथ काई के साथ करें तो वो क्या होती है एडिशन में हमारे पास सेपरेट आउट हो जाती है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको कुछ कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि फाई प्लस साई हमारे पास दो फाई और साई दो फंक्शन हमारे पास, इसका समेशन की प्रोडक्ट करें किसी काई की थर्ड फंक्शन के साथ करें हमारे पास, डेट में क्या होती है फाई और काई की पोजियम ब्रैकेट प्लस साई और काई की पोजियम ब्रैकेट की इक्वल होती है हमारे पास, ठीक है जी। फोर्थ फॉर्मूला होता है हमारे पास डेट इज डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास, यदि पार्शियल डेरिवेटिव करें हमारे पास फाई और साई की पोजियम ब्रैकेट का, तो क्या होता है पहले फाई बाहर आ जाएगा, कर्ली साई बाय कर्ली टी आएगा पोजियम ब्रैकेट आएगी, प्लस यदि साई बाहर आएगा तो कर्ली फाई बाय कर्ली टी आएगा पोजियम ब्रैकेट के साथ, ठीक है जी। तो ये सिंपल ब्रैकेट